Welcome to our math session and today is our part or day 12 of our math lecture. So students, in previous lecture we learned about what we learned? Yes, we learned about addition of 4 digits with grouping and without grouping. और क्या देखा उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की. सो अवर टुडेज टॉपिक इज मोर ऑन एडिशन. मतलब आपको अभी क्या सीखना है? एडिशन सीखना है. लेकिन क्या सीखना है? अभी 3 नंबर्स का एडिशन सीखना है. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 29, सॉरी पेज नंबर 31. सिर्फ उन्होंने क्या दिया, टॉपिक दिया मोर ऑन एडिशन. मतलब सिर्फ अभी आपको 3 नंबर्स का क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है. So let us consider example, add 4238 plus 425 plus 1238. चलो तो वैसे step by step हम करेंगे. देखो सुन, पहले ones की place हम क्या करेंगे, add करेंगे. So 8 plus 8 करो आप, 8 plus 8 16 plus 5 करो या फिर 8 plus 5, जैसे भी आप addition digits की करोगे answer आपका same आएगा. ओके, तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21. देखो 21 यहाँ पे 21 आया बराबर. अब ये 2 जो है वो क्या जाएगा, टेंस के वहां पे कैरी वन कर जाएगा. ओके नाउ एड टेंस कॉलम डिजिट, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैन. हाँ नाउ 4, देखो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9 एंड लास्टली आपके जो थाउजेंड्स के कॉलम में जो डिजिट है वो ऐड करना है. क्या है वो? यस, 4 प्लस 1 इज 5. सो योर आंसर इज 5901. तीनों के एडिशन क्या आई? 5901. सो स्टूडेंट इसी तरह आपको एक्सरसाइज में भी क्या करना है, सॉल्व करना है. नाउ टर्न द पेज, look at the page number 32, exercise 2.8, question number first is add the following. देखो students, तीन ही example दिए, मैं यहाँ पे एक करके दे रही हूँ, 2 आपको homework पे करना. So let's start here. देखो sir, 1, 10, 100, 1000 बराबर मैंने ये arrange किए हैं और already textbook में भी question में दिया है, arrange ही करके दिए. So students देखो, पहले सबसे पहले step है हमारे add ones. Ones add करना मतलब 8 ones plus जो digit है उसके हमें क्या करनी है, addition करनी. So 8 plus 8 16, 16 plus 5 is 21, 2 carry. Now add tens and plus carry, बराबर carry भी add करनी आपको, tens plus पे जो digit है वो भी आपको add करने. So देखो 3 plus 3 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 is 12. यहाँ पे वापस आएगा वन कैरी. नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप थर्ड, एड हंड्रेड्स. हंड्रेड्स के प्लेस पे जो डिजिट है वो हमें ऐड करें. 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 2 इज यस 18. तो 18 आप ऐसे लिखोगे, वन कैरी दोगे. नाउ थाउजेंड, देखो स्टूडेंट्स थाउजेंड के प्लेस पर ऊपर मतलब सिर्फ 4 है और 1 है. सो 4 प्लस 1 इज 5. Thus our addition is 638 plus 4948 plus 235 is equals to 5821. This is your final answer. So students, बाकी के जो भी और सी वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करें. So our question number second is arrange the following in the correct columns and find the sum. देखो students, अभी आपको horizontal इसने मतलब आपको दिया गया है, आपको उसको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है और फिर सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स लेट अस अरेंज दिस नंबर्स. 35 जो भी आपको पहला नंबर दिया है वैसे के वैसे आपको कॉलम में राइट अप करना है. कॉलम लिखते वक्त पहले वंस का लिखोगे, टेन हंड्रेड और थाउजेंड का लिखोगे. अब 35 देन 6241 एंड अवर लास्ट नंबर इज 2304 बराबर. अब इसकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी. सो लेट अस ऐड, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 0, 1 कैरी. नाउ ऐड टेंस, ऐड टेंस डिजिट, टेंस कॉलम में जो डिजिट है उसे ऐड करना है. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 0 इज सॉरी 8 प्लस 0 इज 8. नाउ 2 प्लस 3 इज 5 एंड 6 प्लस 2 इज 8. देखो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी, ए और सी आपको होमवर्क में करना है. यहाँ पे आपको दिया है
आपको अरेंज करना है फिर सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंज था, आपने सिर्फ सॉल्विंग की। सो स्टूडेंट्स ये हो गई एक्सरसाइज 2.8, लेकिन एक्सरसाइज 2.8 का जो थर्ड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके नाउ लुक एट द टेक्स्ट बुक, लुक पेज नंबर 32 एंड रीड द प्रॉब्लम। 5,957, 1,242 and 2,390 tricolor balloons were released during Independence Day celebration in 3 consecutive years. देखो स्टूडेंट्स consecutive, consecutive का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 3 नंबर्स दिए है वो tricolor के balloons से, मतलब saffron, white and green। मैंने tricolor मतलब हम देखो अभी यहाँ पे बोला है उन्होंने कि इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने रिलीज किए। अब इंडिपेंडेंस डे के दिन ट्राई कलर मतलब क्या होता है, फ्लैग का कलर होता है। सो स्टूडेंट्स फ्लैग का कलर कौन सा होता है, सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन। यहाँ पे उन्होंने 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, कॉन्सिक्यूटिव ईयर मतलब एक के पीछे एक। सपोज 2015 है तो 2015 में उन्होंने 5,957 किए, फिर नेक्स्ट ईयर 1,242 किए, मतलब 2015-16-17 एक के पीछे एक है उन्होंने इतने बलून्स रिलीज किए। हाउ मेनी बलून्स वेर रिलीज इन द 3 इयर्स टुगेदर। सो स्टूडेंट 3 साल में उन्होंने पूरे कितने बलून्स रिलीज किए वो हमें अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो लेट अस फाइंड आउट, वीडियो को पॉज करके आपको ये बोर्ड के ऊपर के एग्जाम्पल्स राइट अप करने हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे उन्होंने ईयर मेंशन किया नहीं है इसलिए हम सेंटेंस लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, बलून्स ट्राइकलर, देखो ट्राइकलर बलून्स वर रिलीज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, फिर कितने बलून्स कितने हुए। सपोज हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे हम कंसिडर करेंगे। सो क्वेश्चन फ्रॉम यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, बलून्स रिलीज ऑन फर्स्ट ईयर। हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें पर्टिकुलर ईयर उन्होंने दिया नहीं है। फिर बाद में क्या आएगा आपका, बलून्स प्लस 1 10 बराबर 10 प्लस 3 13 13 प्लस 2 15 1 कैरी। अब यहाँ
9. तो कितने बलून रिलीज किए उन्होंने तीनों साल में? 9597. तो नीचे आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है, दस टोटल बलून वेर रिलीज इन 3 इयर्स. ना 3 इयर्स का पूछा है, 3 इयर्स इज कितने कितने बलून उन्होंने किए? 9597. ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आएगा. सो स्टूडेंट्स, ये ऐसे कैसे आपको क्लास बुक में नोट डाउन करना है. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.8 फिनिश हो गई है. बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स एंड अवर सेशन हियर. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थैंक यू.